ख्वाजा नगरी अजमेर में क्रिसमस की रौनक परवान पर है। शहर के विभिन्न प्राचीन चर्च रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर है। कई लोग तो कारवां लेकर शांति के राजकुमार प्रभु यीशु के जन्म का संदेश केरल सॉन्ग के माध्यम से पूरे शहर में निकले हैं। फर्स्ट इंडिया के संवाददाता प्रियांक शर्मा ने प्रभु यीशु के जन्म के साथ साथ केरल के माध्यम से प्रेम और शांति का पैगाम दे रहे लोगों से बातचीत की। देश और दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां जोरों से चल रही है, वहीं अजमेर भी इससे अछूता नहीं है। अजमेर में भी क्रिसमस को लेकर काफी रौनक यहां पर देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि सेंटा क्लॉज यहां पर जो है डांस कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, लोगों को जो है चॉकलेट्स बांट रहे हैं, उनको छोटे छोटे जो बच्चे हैं सेंटा क्लॉज को बड़े प्यारे लगते हैं और यही वजह है कि सेंटा क्लॉज यहाँ पर जो है बच्चों को चॉकलेट बांट रहे हैं। साथ में जो लोग हैं वो भी इस नज़ारे को देख रहे हैं, साथ में प्रभु यीशु के आने का संदेशा लेकर यहाँ पर एक कारवा भी जो है रखा गया है, जिसमें लोगों को ये बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु जो है वो उनका जन्म होने वाला है, वो लोगों को यहाँ पर उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए वो यहाँ पर जन्म लेने वाले हैं। इसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माउंट केबल के जो पादरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो प्रभु यीशु का जो संदेश है वो किस तरीके से आप लोगों को बांट रहे हैं। हम गीतों के द्वारा और गाने के द्वारा, सेंटा क्लॉज के द्वारा हम जो है प्रभु के संदेश को यहाँ पर बांट रहे हैं, जो अमन चैन और शांति का संदेश है उसे। हमारे साथ एक मौजूद है मसीह समाज के ही लोग, उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से प्रभु यीशु ने जो प्रेम और जो शांति का जो संदेश दिया है वो आज के जो परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से जो है लोगों में बांटा जा सकता है। यीशु मसीह का जो संदेश है और जो क्रिसमस के ऊपर जो विशेष ये है, प्रेम शांति और आनंद का संदेश है। और जिस तरीके से अजमेर एक सौहार्द की नगरी है, हम लोग इस संदेश को यहाँ पर गीतों के माध्यम से, जिसे कैरल्स कहते हैं, उसके द्वारा फैलाते हैं कि भारत के अंदर, और प्रार्थना करते हैं कि भारत के अंदर अमन चैन शांति और आनंद और भाईचारा बना रहे, बरसता रहे। 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है और ये प्रभु यीशु का जो मकसद है प्रेम और शांति का पूरी दुनिया में कायम हो, यही मकसद को और संदेश को मसीह समाज के लोगों तक केरल सिंगिंग के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और ख़ास तौर पे भारत और अजमेर जो सौहार्द की नगरी है वहाँ पर अमन और चैन भाईचारा कायम रहे। कैमरामैन पीयूष गोयल के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर।